गणपतिपुले की तरफ चल रहे हैं। जयगढ़ से अराउंड 18 किलोमीटर है, आधे घंटे का रास्ता है। रास्ता काफी सुंदर है, ये रोड भी काफी अच्छी है। तो आप पहुंचेंगे, पहले करेंगे कहीं पर लंच, क्योंकि लंच टाइम होने चला है और हम दोनों को भूख लग गई है। और उसके बाद जाकर चेक इन करेंगे अपने होटल में और फिर वहां जाके प्रोग्राम बनाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो खाओ दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गणपति पुले और यहाँ पर हमें मिला है आदित्य खानावल। यहाँ का हमने सुना है कि खाना काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी लोकल है, तो यहाँ पर आए हम लंच करने के लिए। और ओपन रेस्टोरेंट है, देख लीजिए। और इनके पास थाली की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, अलग अलग टाइप की थाली मिलती है यहाँ पर, और प्लेट वाइज सिस्टम भी है। तो बैठते हैं और कुछ खाना वाना ऑर्डर करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों खाना आ गया हमारे सामने। मैंने जैसे कि मंगाया था मैकरल करी, तो ये फ्राइड पीस है मैकरल का, बांगड़ा का, डीप फ्राइड किया है मेरे ख्याल से, और साथ में ग्रेवी फिश की, राइस, स्टीम राइस, प्लेन राइस, और ये एज यूजुअल जो हर कोंकणी थाली में आती है सोल कड़ी। तो पहले हम ये फिश जो गर्मा गर्म है अभी अभी कढ़ाई से निकली है ये, तो वही बात, 50 किलोमीटर आए हैं चढ़कर गुहागढ़ से और यहाँ पर आके ग्रेवी का टेस्ट चेंज हो गया। कमाल की ग्रेवी है, खट्टी खट्टी नारियल वाली और बहुत स्वाद। और फिश क्योंकि डीप फ्राइड है तो बाहर से क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट एंड डिलीशियस। हल्का हल्का मसाला लगा हुआ है, अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, थोड़ी सी आई थिंक खटास के लिए इमली या वो नींबू भी डाला गया इसके अंदर। तो ऑन द होल हमारी थाली ये है। और ऋषिका की थाली में क्या है, उसकी थाली ना और मेरी थाली से ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ऋषिका विद योर परमिशन मुझे टेस्ट करके देता हूँ। परमिशन ग्रांटेड, धन्यवाद। इसने मंगाया है कोलंबी यानी कि प्रॉन्स मसाला, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में ग्रेवी है, राइस, सोलकड़ी, प्याज, नींबू, भाकरी चावल की सॉफ्ट फर्स्ट क्लास, और ये लंबी वेरी नाइस। सबसे पहले कोलंबी की जो फ्रेशनेस है ना, अमेजिंग। और मसाला सुपर है, सुपर, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही डिलीशियस है। कोंकणी मसाला जो भी गरम मसाला इन्होंने उसमें डाला है, क्योंकि ग्रेवी अलग से दी है तो ये थोड़ा ड्राइश है। ग्रेवी खा के देखें, अगेन वेरी गुड। जनरली क्या होता है, किसी भी सी फूड रेस्टोरेंट में जाओ ना, तो अगर जैसे फिश की ग्रेवी आई है तो जनरली प्रॉन्स को भी उसी ग्रेवी में बनाया जाता है, लेकिन यह अलग है। प्रॉन्स की ग्रेवी अलग है और फिश की ग्रेवी अलग है, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो एक और कोंकणी लंच सक्सेसफुल हुआ हमारा इस बेल्ट पर। अभी तक तो हमें कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर हमें खाना पसंद ना आया, और जगह एक से बढ़कर एक होती जा रही है। दोस्तों हम एंजॉय करते हैं अपना कोंकणी लंच। उसके बाद एक कमाल की बात हो गई है कि हमने होटल की बुकिंग कराई थी, ठीक है, एक बुकिंग इंजन से, और हुआ क्या पता नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ उस वक्त, वो जो होटल था वो होटल वियतनाम में तो जब हमने ढूंढा आज की भैया हमें जिस होटल में जाना है तो कहते हैं वियतनाम में आपकी बुकिंग हुई हुई है। अच्छा हुआ कि पैसे भरे नहीं थे क्रेडिट कार्ड पर, पेयर प्रॉपर्टी था। तो अभी इधर आए हैं तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाना खा के हमें जाकर जगह ढूंढनी है रहने की। तो फटाफट खाते हैं और चलते हैं हमारे इस सेल्फ मेड एडवेंचर पे, है ना।
तो खाओ दोस्तों, आदित्य खानावल में खाने का मजा आ गया। और मेरी आपको यही सजेशन है, जब आप ऐसे कोस्टल ट्रिप करें या छोटे छोटे शहरों में जाए ना, स्पेशली महाराष्ट्र में, तो ऐसे खानावल ढूंढिए। यहाँ पे आपको घर जैसा बना हुआ खाना बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि जैसे इस खानावल में भी अभी हमने थोड़ी जानकारी ली, ये फैमिली मेम्बर्स हैं 9, एक लेडी हैं, उनके हस्बैंड, उनका बेटा, उनके 3 भाई और 3 भाभी हैं। 9 जने मिलके ये खानावल को चलाते हैं। खाना एकदम फ्रेश होता है, सुबह फिश लेकर आते हैं और जितनी चाहिए उतनी लाते हैं और बाकी सब शाम तक ख़त्म हो जाती है। तो वेरी गुड फूड, फ्रेश फूड। अब चलते हैं हमारे एडवेंचर पे रहने की जगह ढूंढने के लिए। आदित्य खानावल, थैंक यू, सुपर गुड। तो खाओ दोस्तों, थोड़ी बहुत तलाश की लेकिन हमें यहाँ पर रूम मिल गया है। इस जगह का नाम है बीच फ्रंट विलास, बीच के एकदम सामने है। इधर मालगुंड बीच है जो कि हम गणपति पुले से पीछे आए हैं 3 किलोमीटर, और इधर ही ये खूबसूरत सा रिसॉर्ट हमें दिखा, तो हमें लकीली यहाँ पर रूम मिल गया। तो अभी हम चलते हैं, रूम में सामान वामान रखते हैं, फिर फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं घूमने के लिए। ओके चलिए। तो दोस्तों आराम कर लिया दोपहर को एज़ यूजुअल जो हम करते हैं, क्योंकि धूप इतनी होती है दोपहर को शूट करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो अब हम चल पड़े हैं गणपति पुले और आसपास की कुछ जगहें देखने के लिए। और आप चलिए हमारे साथ, हम सबसे पहले जा रहे हैं, यहाँ पर एक किला है, यहाँ से करीबन 13-14 किलोमीटर दूर है, आधे घंटे की ड्राइव है। उसका नाम है जयगढ़ फोर्ट, जो रत्नागिरी में एक बहुत ही पॉपुलर फोर्ट है इस डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले चलते हैं जयगढ़ फोर्ट और उस फोर्ट के बारे में वहीं चलकर आपको सारी बातें बताएंगे जो हमको पता है। आइए। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हम जयगढ़ फोर्ट, अभी अंदर चलते हैं और फोर्ट देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों हम फोर्ट के अंदर, किले के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी पुराना किला है, जहाँ तक हमने सुना है 15th सेंचुरी में बनाया गया था, और किंग्स ऑफ जो बीजापुर थे उनके बारे में सुना है कि उनके हाथों में था सबसे पहले। फिर वहाँ से जो नायक्स ऑफ संगमेश्वर थे उनके हाथों में आया, उसके बाद वहाँ से मराठास के हाथ में आया, कान्होजी आंग्रे के हाथ में आया। कान्होजी आंग्रे का वैसे सुना है कि इस फोर्ट के अंदर एक पैलेस भी है और एक गणेश जी का मंदिर है और बहुत सारे कुएं हैं जिसमें पानी भरा जाता था। फिर कान्होजी आंग्रे जी के बाद ये फोर्ट ब्रिटिशर्स के हाथ में भी आ गया। तो बस जैसे कि हर फोर्ट की कहानी होती है, कुछ साल किसी के हाथ में, कुछ साल किसी के हाथ में, लड़ाइयाँ होती थी, वॉर्स होती थी, और ये किले यहाँ से वहाँ अपनी ओनरशिप कह सकते हैं बदल देते थे। तो इस फोर्ट की भी कुछ ऐसी कहानी है। ये ऋषिका कितने एकड़ पे बना हुआ है फोर्ट? 17 एकर्स बड़ा है। यानी कल जो हमने फोर्ट देखा था गोपालगढ़ फोर्ट, वो था कुछ अराउंड 6-7 एकर्स का। ये 17 एकर्स की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, यानी काफ़ी बड़ा फोर्ट है। वो और एक नदी बहती है मेरे ख्याल से ऋषिका, वो शास्त्री रिवर था ना जो हमने सुना था। अरे अंदर बहुत अंधेरा और आगे कुछ नहीं है। नहीं यहाँ रास्ता यहाँ से जाने का, जहाँ से सब जा रहे हैं। हाँ देखो देखो, वाओ सी दिख रहा है। बस तो चारों तरफ ऐसा है, एकदम हिल टॉप पे बना हुआ है, कोने पर है एकदम, ताकि समुंदर पे नजर रखी जा सकती थी। और यहाँ पर जो शास्त्री रिवर है वो अरेबियन सी से भी मिलता है, तो संगम होता है यहाँ पर। वो शायद जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर, वहाँ से शायद दिखेगा रिवर और अपनी अरेबियन सी जहाँ पर मीट करते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एज़ यूजुअल ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ से क्या नज़र आता है। ये यहाँ से इस ट्रिप में खाया बहुत है, साथ में चले भी बहुत हैं, तो यानी कि खाना साथ साथ हजम भी होते जा रहा है। हाँ तो यहाँ से यस बहुत अच्छा व्यू है ओशन का, तो डेफिनेटली यहाँ से वो लोग ट्रेडिंग रूट पे नज़र रखते होंगे जहाज़ों पर और ट्रेडर्स के ऊपर।
काफ़ी बड़ा है चारों तरफ। ये बीच में जो रुइंस हैं अभी, ये शायद मेरे ख्याल से अंग्रेजी का पैलेस होगा यहाँ पर, जो अब तो एकदम खंडर जैसे बन चुके हैं। यहाँ पर कई प्लांट्स भी हैं, यानी कि पोर्ट है ना, पोर्ट भी है आंग्रे पोर्ट। हाँ, ये आंग्रे पोर्ट है यहाँ पर। ओ यस, मज़ा आता है ऐसे, है ना ऋषि का, हिस्टोरिकल जगह पर आने का, बिकॉज यू टेंड टू गो बैक कि मतलब यहाँ पर उस ज़माने में क्या होता होगा, कैसे वो राजा यहाँ पर रहते होंगे, कैसे लोग होते होंगे। हाँ हाँ, कितने लोग होते होंगे, कितने लोग इस एक किले में रहते होंगे। दीवारें तो इतनी चौड़ी हैं, मेरे ख्याल से ये भी कुछ 7-8 फुट चौड़ी दीवार होगी जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। और इस तरफ भी समंदर नज़र आ रहा है, आगे जाके दिखेगा, थोड़ी हाइट है वहाँ पर। सो मेरे ख्याल से ऋषि का 3 साइड्स देयर इज़ वाटर एंड 1 साइड देयर इज़ लैंड, दैट्स अबाउट इट। ये पैलेस के रुइंस हैं जो नज़र आ रहे हैं, ये बीच में कुएँ हैं जिनके आसपास सारी घास उग चुकी है अभी। और टेंपल मेरे ख्याल से ये होगा टेंपल, जिस पे छोटा सा एक फ्लैग लगा हुआ है, बस अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन अब बस बहुत बुरी हालत है, एक ज़माने में पता नहीं क्या क्या होता होगा यहाँ पर, हर पत्थर यू नो एक कहानी सुनाता है इस जगह की, बस अभी कहानियाँ ही रह गई हैं और लोग तो जा चुके हैं। तो ये है लोकेशन, यहाँ से पूरा नज़र आता है ऑल अराउंड। तो फ्रेंड्स, ये था जयगढ़ किला रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। गणपति पुले से 14 किलोमीटर पीछे आना पड़ता है, और अगर आप मुंबई साइड से आ रहे हैं तो ये गणपति पुले से 14 किलोमीटर पहले आएगा। आप जब इस जयगढ़ फेरी पॉइंट पे उतरेंगे तो वहाँ से बस 2-3 किलोमीटर है। तो अगर आप फेरी से आते हैं तो पहले आप इस फोर्ट को देख सकते हैं और फिर आगे आप गणपति पुले की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, मज़ा आ गया, फोर्ट घूम लिया, अब चलते हैं आगे, देखते हैं गणपति पुले के आसपास कोई और खूबसूरत जगह मिलती है हमें तो वो भी देखेंगे। बस जब तक सूरज ढल नहीं जाता, जब तक अंधेरा नहीं होता, घूमते फिरते रहेंगे, ऐश करते रहेंगे, और क्या। आए किस लिए, जैसे कि ऋषिका बोलती है, आए किस लिए। तो खाओ दोस्तों, हम जा रहे थे जयगढ़ फोर्ट से गणपति पुले की तरफ, लेकिन रास्ते में हमें एक इंटरेस्टिंग, ये रेड़ी कहिए, बांकड़ा कहिए, फूड स्टॉल कहिए, नज़र आ गया, जहाँ पर भेल, सेवपूरी, पानीपूरी, चाइनीज़ भेल, वेज मंचूरियन कुछ मिल रहा है। और ये जगह देखकर थोड़ी सी भूख भी जाग गई, क्योंकि वैसे भी शाम के 5 बजने वाले हैं और हल्की हल्की भूख लग रही है, तो कुछ यहाँ पर स्नैक कर लेते हैं। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या फ्रेश मिलेगा। हाँ जी मैडम जी, क्या क्या भेटेल। अरे वाह, तो मैं का एक काम करा, हमारा एक सेब पूड़ी दिया। सेब पूड़ी तो मुंबई में बहुत खाई है, लेकिन ऐसी जगह पर आकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये जो गोलगप्पे या पानी पूरी के होते हैं, उसी के अंदर बनेगी सेब बटाटा पूरी। मसाला तैयार, पूड़ी के अंदर भरा जाएगा। कांदा भी डालते हैं, कांदा टमाटर। हाँ अच्छा, पहले आलू की स्टफिंग, उसके ऊपर डाला जाएगा प्याज और टमाटर। ऐसे छोटे छोटे गाँव में रुककर खाए ना, तो एक बात की गारंटी रहती है, मटेरियल फ्रेश मिलेगा एकदम। आज ही बनाया, आज ही ख़त्म, कल फिर दूसरे दिन की तैयारी, और टेस्ट तो डेफिनेटली अलग। अब एक तिखट, अच्छा ये पानी पूरी का पानी है। अच्छा, ये बहुत अलग टाइप की सेव बटाटा पूरी खा रहा हूँ मैं आज, जिसमें पानी पूरी का पानी भी पड़ रहा है, क्या बात है। और ये मीठी चटनी, इमली जी, ओके, क्या बात है। तो दोस्तों, ये देखिए, फर्स्ट क्लास चाट आइटम मिल गया है समंदर के किनारे, इसे खाते हैं। वाह, क्रिस्प क्रिस्प पूरी है, और मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि पानी पूरी के पानी में, यूजली मुंबई में हरी चटनी और मीठी चटनी डाली जाती है, यहाँ जो गोलगप्पे का पानी होता है ना, वो यूज़ किया है। हाँ दोस्तों, मैं एंजॉय करता हूँ सेवपूरी समुद्र के किनारे पर, और फिर हम अपना
सफर कंटिन्यू करेंगे। हाउ दोस्तों, डे 5 ऑफ आर कोस्टल ट्रिप। हम पहुंचे हैं मालगुंद बीच पर। ये बीच गणपति पुले के मेन बीच से 2-3 किलोमीटर पहले आता है, और क्योंकि ये गणपति पुले के थोड़ा बाहर है, यहाँ पर लोग थोड़े कम आते हैं। ज़्यादा करके जो टूरिस्ट भी होते हैं वो मेन जो गणपति पुले बीच है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी रश होता है। तो हमने इस बीच को सिलेक्ट किया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि एज़ यूजुअल यहाँ पर शांति है और बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रेच है, लंबा वाइट सैंड है। और ये जो पंछी नज़र आ रहे हैं, क्या बात है, इन्होंने इस बीच की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए हैं। लेकिन जैसे ही हम इनके पास जाते हैं ना, ये उड़ने लगते हैं। आज देखते हैं इनके पास जाकर, जगह बड़ी सुंदर है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आपने देखी होंगी पीछे सब स्पीड बोट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, बनाना राइड्स भी हैं, और सूर्य महाराज अस्त होने की तैयारी पर है। तो हर दिन एक अलग जगह, एक अलग मज़ा, एक अलग खोज। फोटोग्राफर्स डिलाइट बोल सकते हैं इस बीच को। खूबसूरत तस्वीरें, वेरी ब्यूटीफुल साइट, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। बस अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, इस बीच का आनंद लूँगा, आप भी लीजिए। तो खाओ दोस्तों, एक और खूबसूरत दिन हमें यहाँ पर समाप्त करना पड़ रहा है, एंड ऑफ डे 5 ऑफ आवर कोस्टल ट्रिप। पर आप सब बने रहिए हमारे साथ, कल डे 6 की शुरुआत करेंगे और आपको हमारे साथ ले जाएंगे एक नई जगह पर, एक नए सफ़र पर। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। इन सबको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धनाधन कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और खूबसूरत ट्रैवल सीरीज़ हम आपके लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं कल डे 6 के लिए, तब तक आप सब जाइए, खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद।